खबर पोहरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम परीक्षा की है, जहां पर बीते 27 अक्टूबर को अज्ञात चोरों ने सोने मकान में सेंध लगा दी। यहां फरियादी चोरों के सुराग में जुटे रहे, जब सुराग नहीं लग सका तो पोहरी थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। इस पर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। घटनाक्रम की जानकारी के अनुसार फरियादी बाबू सिंह पुत्र बाबरिया उम्र 50 साल निवासी परीक्षा ने थाना पहुंचकर बताया कि वो 27 अक्टूबर को अपने खेत पर काम करने गए थे। जब वापस आकर देखा तो उनका कमरा खुला पड़ा था और अटैची में रखे नकदी व पुराने गहने चोरी हो गए, जहां पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर धारा 457 380 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। सर, परीक्षा में एक चोरी का मामला सामने आया, इन्वेस्टिगेशन जारी है, क्या कुछ चोरी हुआ और क्या कुछ घटनाक्रम है? क्या है कि अभी महिषी पुत्र बावरिया कुशवा थाने पर आया है। उसने बताया कि दिनांक 27/10 को मेरे यहाँ बच्चे मेरे दिन में खेत चले गए थे, तो उसमें चोरी हुई, मेरी चोरी हो गई है। उसमें 2000 रुपये नकदी और कुछ सोना चांदी बता रहा है, लगभग 80-85 हज़ार रुपये का सामान बता रहा है। तो जिस पर से अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध की कार्रवाई की जा रही है और उसने बताया है, और कोई संदेह वगैरह यदि होगा गाँव में ऐसा होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसने उससे ये भी पूछा था कि इतनी देर क्यों हो गई, तो बोले मैं तलाश पर रहा, पूछता रहा, जब आज उसके लिए मैं रिपोर्ट करने आया।